हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के PCCF हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स श्रीमान अजय कुमार जी और पंजाब के PCCF हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स श्रीमान जितेंद्र शर्मा जी और हमारे वाइल्ड लाइफ के PCCF डॉक्टर सविता जी, HFRI के डायरेक्टर श्रीमान SP नेगी जी और सभी वन विभाग के अधिकारी और उनके अतिरिक्त नेगी ने कहा कि कोई 43 विभागों के अधिकारी हमने बुलाए हैं और अन्य वैज्ञानिक मीडिया से जुड़े मित्र सभी बहनों और भाइयों, ये वर्कशॉप बहुत महत्वपूर्ण है और 2 दिन की वर्कशॉप में बहुत कुछ सोचा जाना है, विचार करना है और इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। लेकिन मैं एक बात देख रहा था कि काम हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीरता बहुत आवश्यक है, लेकिन हम सब ऐसा चिंतन कर रहे हैं कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही है। कई बार कहते हैं कि काम करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हंस के खुश होके काम को करना और उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके प्रसन्नता पूर्वक करना, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको बता रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तालियां बजाने में सबकी कंजूसी। देखिए, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारी पूरी टीम की सफलता, और जब टीम सफल होती है तो सबके सबको उसमें खुशी मनाना चाहिए। तो इसलिए ये हमारी टीम है वन विभाग की और यहां आज डॉक्टर सविता जी ने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन के द्वारा नमामि गंगे की DPR तैयार की गई और उस DPR में बहुत गहराई से आपने अध्ययन किया और आपकी पूरी टीम आपके साथ चली है। कभी भी अकेला हम कुछ कर नहीं सकते और अब हमारी जो इंडस वैली है, लगभग 9 नदियों की DPR को तैयार करना फॉरेस्ट्री के माध्यम से और उसी में हिमाचल प्रदेश भी धनी है। हमारे पास 5 नदियां हैं, हरे भरे पहाड़ हैं, लगभग 20% ऐसे पहाड़ हैं जहां 12 महीने बर्फ पड़ी रहती है, मैदान भी हैं, ब्यास, सतलुज, यमुना, रावी सब नदियां हैं। अब ये वर्कशॉप के माध्यम से हमको बहुत कुछ करना, हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी। श्री जितेंद्र जी कह रहे थे कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पानी के लिए विश्व युद्ध हो सकता है, तो हमारा महत्व और अधिक बढ़ता है और हिमाचल प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इस संबंध में स्वयं बहुत संवेदनशील हैं।
और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में ऐसा खिताब लेने वाले कि पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे अच्छा पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है। अब देखें, शायद भारत की तो संस्कृति यह रही है कि हमने हमेशा प्रकृति को कभी शोषण के लिए नहीं कहा, हमने हमेशा अपनी मां कहा है। हमने कहा कि माता भूमि पुत्र अहम, के धरती हमारी मां है और हम सब इसके बेटे बेटियां हैं। और एक जगह कहा कि ये कल कल छल छल बहता आता, क्या कहती पुण्य धारा, युग युग से बहता आता ये पुण्य प्रवाह हमारा। ये नदियां ना जाने कब कब से, और हमारे यहां पर ब्यास है, गंगा है, गोदावरी है, कावेरी है, इन सबकी पवित्रता की मिसाल दी जाती है। और हमको अपना काम करना बहुत अच्छे से करना और महत्वपूर्ण पूरे देश के लिए है। लेकिन हम केवल मात्र काम करने के लिए नहीं, हमारी सरकार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश भारत में सबसे आगे एक उच्च शिखर की ओर बढ़ना चाहिए और हमको हर क्षेत्र में, क्योंकि हमको हमारा जो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एरिया, और जिसमें से 27% हमारा जंगल का आवरण, लेकिन 14% के लगभग घना जंगल और 20% के लगभग बर्फ से ढका क्षेत्र, और हम 35% तक इसको बढ़ाने की क्षमता, हम जिस भी क्षेत्र में काम करें चुनौती ये स्वीकार करनी है कि हम पर नंबर एक पर जाना, नंबर एक। अब नंबर एक हम कैसे हो सकते हैं, हमारी डीपीआर बनेगी, हमारी इंप्लीमेंटेशन कैसे हो, हर बात के लिए। अब इस साल अजय जी ने कहा कि जुलाई अगस्त में हम वृक्षारोपण करने वाले हैं, हर तरह के वृक्ष लगेंगे, मेडिसिनल भी लगेंगे, बाकी सब लगेंगे, जहां जहां जो जो लग सकता है, और हमारी टॉपोग्राफी के आधार पर कैसे कर सकते हैं। कहा कि 5 दिन के लिए हम हमारी कैंपेन चलेगी प्लांटेशन की, और 5 दिन में हमको 25,00,000 वृक्ष लगाने हैं। अब ये 25,00,000 का जो टारगेट है, ये टारगेट हमको अचीव करना है, और उसमें मुझे अपना 100% अपना देना है। कैसे देना है, क्योंकि जब मुझे वन विभाग मिला तो मुझे लगता था कि नए नए में कि क्या होगा, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी टीम है और सभी के सब बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। लेकिन मैंने जो कहा हमेशा, अपनी टीम स्पिरिट वो सदा रहनी चाहिए, मेरा डिसिप्लिन, मुझे कहां पर क्या करना, और सब मिलकर के करेंगे। और आज की वर्कशॉप के लिए इसके आयोजन श्री SP नेगी जी और इनकी टीम ने, जल भी अच्छा देना है, जंगल भी अच्छा देना है, सबको स्वच्छ वायु भी हमको देनी है, ऐसा संकल्प करके हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।